वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मेरे पास है तुम लोगों के लिए पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही धमाकेदार अपडेट है। तो उस अपडेट को सुनने के लिए तुमको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है बिल्कुल एंड तक। मतलब पॉपकॉर्न वॉकॉर्न लेके बैठ जाओ, चिपक जाओ। अगर पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठना तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर, और अगर कोई मेरा भाई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और उस घंटे को ऑल पे सेट कर दो ताकि ऐसी अपडेट तुमको फ्यूचर में ही मिलती रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में यानी कि मेरे सोशल मीडिया में ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज सुबह, मतलब सुबह को नहीं, दोपहर को अपने इंस्टाग्राम पे जो केतन गवा सर है, जो कि ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ साइलेंस और पोकेमॉन सीजन 40 में वो नैरेटर को भी वॉइस दे रहे, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे एक स्क्रिप्ट डाली है जो कि तुम देख सकते हो, मतलब एक पोस्ट डाली है जो कि तुम देख सकते हो। और इस पर लिखा है पोकेमॉन सीजन 40 एपिसोड 48। और जैसे कि तुम सबको पता है कि पोकेमॉन सीजन 40 का लास्ट एपिसोड है 48, और वही एपिसोड केतन गवा सर अभी डब कर रहे हैं, और अभी तक शायद वो एपिसोड डब हो भी चुका होगा, और यानी कि सीजन 40 अब पूरी तरह से डब हो चुका है, यानी कि फाइनली सीजन 40 अब पूरी तरह से डब हो चुका है। हमने एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले सुना था कि सीजन 40 का डब स्टार्ट हुआ है, और आज जाकर हमें ये न्यूज़ मिली कि सीज़न 40 पूरी तरह से डब हो चुका है, यानी कि 48 वाला एपिसोड डब हो रहा है या फिर डब हो चुका है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है, सीज़न 40 डब हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है वो सीज़न डब होके। तो उसके कुछ ही देर बाद केतन गवा सर अपने स्टोरी में एक और न्यू स्टोरी देते हैं, और वो कहते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है साइलेंस पोकेमॉन सीजन 40 में, वो पूरी तरह से, मतलब सीजन 40 में जो उनका कैरेक्टर है वो पूरी तरह से डब हो चुका है, और उनका जो नैरेटर कैरेक्टर है वो भी पूरी तरह से डब हो चुका है। पर वो एक और बात कहते हैं कि बाकी के जो कैरेक्टर है यानी कि याश, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं सीजन 40 में, उनका डब अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। तो शायद हम इसे गेस्ट कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि शायद इस अप्रैल के एंड तक सीजन 40 पूरी तरह से डब हो जाएगा। और अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो ध्यान से सुन लो, सर ने कहा है कि सिर्फ साइलेंस की हिंदी वॉइस और नैरेटर की हिंदी वॉइस ही कंप्लीट हुई है, बाकी के जो वॉइस एक्टर्स हैं उनकी डबिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ी बहुत शायद बाकी है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के एंड तक वो डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि हमने देखा कि पोकेमॉन सीजन 40 जो ब्लैक एंड व्हाइट का पहला सीज़न है वो अभी डब हो चुका है, और मतलब अप्रैल के एंड तक तो ज़रूर डब हो जाएगा, और शायद एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मई के मंथ में शायद हमें सीज़न 40 देखने को मिल सकता है। पर इससे पहले कि तुम लोग पूरी तरह से खुश हो जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पोकेमॉन सीजन 40 जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट का पहला पार्ट है, और यही पहले, मतलब यही अभी डब हुआ है, सीज़न 40 डब हुआ है। तो अभी डिज्नी वालों के पास टोटल 2 सिचुएशन है, वो ये है कि वो या तो पहले सीज़न 40 को डब करेंगे, जो कि मतलब सीज़न 40 डब हो चुका है, सीज़न 50 डब करेंगे, उसके बाद सीज़न 16 डब करेंगे, और फिर पूरा ब्लैक एंड वाइट एक साथ टीवी पर दिखाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सीज़न 40 जो डब हो चुका है उसको वो लोग मई के मंथ में दिखा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट शायद ऐसा हो सकता है। बट जितना मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि डिज्नी वाले ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग पूरा ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि सीज़न 40 जो कि डब हो चुका है, सीज़न 15 और सीज़न 16 डब होने के बाद वो लोग पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट को एक साथ टीवी पर दिखाएंगे। वेल, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी तो नहीं है कि सीज़न 40 हमें, मतलब एक ही सीज़न जो अभी डब हुआ है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी इसकी है कि शायद तीनों सीज़न एक साथ डब होने के बाद हमें वो देखने को मिल सकता है। बट ये भी हो सकता है कि हमें सीज़न 40 ही सिर्फ देखने को मिल जाए, जैसे कि पोकेमॉन XY यानी कि सीज़न 70 के साथ हुआ था। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, मैं जस्ट गेस्ट कर रहा हूँ, अभी कोई पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि सीज़न 40 हमें देखने को मिल जाएगा या फिर पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, या जिनके जितने भी सीज़न है ब्लैक एंड व्हाइट के वो पूरे के पूरे एक साथ ही हमें देखने को मिलेंगे डब होने के बाद।
कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है डिज्नी इंडिया के पास, बट देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। वेल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इन दोनों पॉसिबिलिटी में तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो डिज्नी वाले चुन सकते हैं? क्या वो लोग पहले सीजन 40 को दिखाएंगे, उसके बाद सीजन 15 और 16 को दिखाएंगे, मतलब अलग से दिखाएंगे, सीजन 40 को छोड़कर अलग से दिखाएंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीजन 40, 15, 16 वो लोग एक साथ दिखाकर ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तरह से ख़त्म कर दे? वेल, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी तुम लोगों को लगती है कि सही हो सकती है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। एंड आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि तुम लोगों को आज की ये अपडेट कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट, एक मिनट, इंस्टाग्राम में जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुद हाफिज, सागर प्रणाम। We'll be right back.